स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टर द में। दोस्तों अगर आप LIC की इस स्कीम के अंदर सिर्फ एक बार 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो आप अपने लिए करीब 39 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। दोस्तों निवेश करने के लिए हमेशा आपको एक ऐसी स्कीम का चुनाव करना चाहिए जहां पर आप निवेश करके एक बड़ा फंड बना सकें, क्योंकि अगर हम बात करें बैंक FD की, यहां पर आपको ब्याज दर बहुत ज्यादा कम मिलती है, यानी 5 से लेकर 6%। जबकि अगर हम बात करें बैंक एन्युटी डिपॉजिट स्कीम की, तो उसके अंदर भी आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन दोस्तों LIC म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो यहां पर आपको बैंक FD से दुगने से लेकर 3 गुना तक रिटर्न मिल सकता है। आज हम आपके लिए LIC की एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम लेकर आए हैं जिसके अगर रिटर्न की बात करें तो करीब 20 साल से 13% एनुअली का रिटर्न है। इस स्कीम के अंदर मात्र एक बार 1 लाख रुपए का निवेश करके ही आप 39 लाख रुपए का बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर इस स्कीम की, दोस्तों रिटर्न की अगर बात करें तो ऑल टाइम का रिटर्न 13.28% का है। पिछले 5 साल की बात करें तो स्कीम ने 11.88% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात की जाए तो 17.81% का रिटर्न है। 1 साल की बात करें तो 1.86% रिटर्न है। और दोस्तों 1 महीने की बात करें तो स्कीम ने करीब 2.5% का रिटर्न दिया है। दोस्तों म्यूचुअल फंड की ये बेहतरीन स्कीम है LIC की, और नाम है LIC MF लार्ज कैप फंड। इसका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट के अंदर लार्ज कैप कंपनी जो है स्टॉक मार्केट के अंदर उनके अंदर पैसा निवेश किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर निवेश करने की, तो यहाँ पर आप लमसम एक बार पैसे निवेश करके भी FD की तरह एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों इस स्कीम के अंदर आप लमसम एक साथ मिनिमम 5,000 रुपए तक निवेश कर सकते हैं और मैक्सिमम अपनी मर्जी के हिसाब से जितने पैसे चाहें यहां पर निवेश कर सकते हैं। अगर हम स्कीम के NAV की बात करें, यानी नेट एसेट वैल्यू की, तो यह है 45.53 रुपए का। दोस्तों NAV होता है म्यूचुअल फंड स्कीम का यूनिट प्राइस। जो भी पैसे आप इसके अंदर निवेश करेंगे और जो भी NAV का प्राइस होगा, इसके हिसाब से ही आपको यूनिट लॉट की जाएंगी। रेटिंग की बात करें तो 3 है और फंड साइज 696 करोड़, यानी कि करीब 700 करोड़ रुपए का फंड साइज है। इतने पैसे लोगों ने इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर निवेश किए हुए हैं। दोस्तों अगर एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए, ये होता है म्यूचुअल फंड्स का खर्चा, तो दोस्तों ये भी कम है 1.40% का। यानी जो भी पैसे आप इसके अंदर निवेश करेंगे और जो भी एक्सपेंस रेशियो होगा, इतने परसेंट पैसे काटने के बाद आपको करंट NAV के हिसाब से यूनिट अलॉट की जाएंगी। फंड मैनेजमेंट टीम की बात करें तो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं योगेश पाटिल 2020 से। इनके पास स्टॉक मार्केट का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और इससे पहले भी ये करीब सहारा म्यूचुअल फंड्स और रेलिगेयर इंटरप्राइजेस लिमिटेड में भी काम कर चुके हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें केनरा रुबिको म्यूचुअल फंड हाउस, उसके अंदर भी इन्होंने काम किया है और अभी ये LIC म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर काम कर रहे हैं और काफी सारी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम के मैनेज कर रहे हैं, लेकिन इनके पास स्टॉक मार्केट का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। दोस्तों अगर हम बात करें LIC म्यूचुअल फंड हाउस की, तो इंडिया में 20 नंबर पर रैंक है। कंपनी स्टार्ट हुई थी 20 अप्रैल 1994 को और कंपनी के पास जो AUM है, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो करीब 17,913 करोड़ रुपए है। यानी इतने पैसे लोगों ने अलग अलग स्कीमों के अंदर LIC म्यूचुअल फंड हाउस के साथ निवेश किए हुए हैं। दोस्तों स्कीम का जो रिटर्न है वो लगभग करीब 14% का है, लेकिन आने वाले टाइम में स्कीम अगर आपको सिर्फ 13% एनुअली का भी रिटर्न देती है और आप इसके अंदर मात्र 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं, तो कैसे यहाँ पर आप अपने लिए 39 लाख का फंड बना सकते हैं, एक बार इसे कैलकुलेशन के साथ थोड़ा समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं और स्कीम एनुअली रिटर्न देती है 13% का, इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो 13% रिटर्न के हिसाब से आपको 84,244 रुपए का रिटर्न मिलेगा। 1 लाख रुपए जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 184,244 रुपए मिलेंगे। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर अगर आप इस पैसे को 10 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको सीमित रिटर्न जो मिलेगा वो 2,39,457 रुपए का होगा। 1 लाख रुपए जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 3,39,457 रुपए मिलेंगे। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर अगर आप इस पैसे को 15 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 5,25,427 रुपए का होगा। 1 लाख रुपए जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको करीब 6,25,427 रुपए मिलेंगे। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर अगर आप इस पैसे को 20 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 10,52,309 रुपए का होगा। 1 लाख रुपए जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 11,52,309 रुपए मिलेंगे। अगर आप इस पैसे को निवेश करते हैं 25 साल के लिए तो दोस्तों आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 20,23,054 रुपए का होगा। 1 लाख रुपए जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 21,23,054 रुपए मिलेंगे। दोस्तों अगर आप इस पैसे को निवेश करते हैं 30 साल के लिए तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 38,11,590 रुपए का होगा।
1 लाख रुपए जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 39,11,590 रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर अगर आप पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ पर आप अपने लिए एक बड़ा फंड आराम से तैयार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर रिस्क जरूर होता है, इसलिए आप जब भी निवेश करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह जरूर ले लें। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।